हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम होम्स। आज मैं बात करूंगा सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 के लिए, और साथ में किसके अपोजिट साइड में एक और प्रोजेक्ट अभी लेके आए हैं, रोफ ऑफ आनंदा। जस्ट आपने देखा होगा, आपने विजिट किया होगा है उधर। आप जब एंट्रेंस करते हैं तो जो स्टार्टिंग में जो लैंड्स बिल्कुल ऑन हाईवे प्रॉपर्टी जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, अब उसमें उन्होंने रोफ ऑफ आनंदा ने वहाँ पे परचेज करके अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे वो प्लॉट्स लेके आएंगे या फिर गेटेड सोसाइटी बनेगी या फिर हाई राइज बनेगा, बट अब उनका काम स्टार्ट हो गया। मैं अभी आगे चल के आपको वीडियो को दिखाता हूँ। प्लीज़ जी, आप देखिए सोना एक्सप्रेसवे, सोना एक्सप्रेसवे के जस्ट अपोजिट साइड में सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 की साइट थी, लेकिन उसके जस्ट फ्रंट में रोफ ऑफ आनंदा ये बिल्डर अपना जो काम स्टार्ट कर चुका है, अपनी ये बाउंड्री लगा चुका है चारों तरफ से। अब वो देख रहे हैं तो उससे जो नज़र आ रही है वाइट वाइट तरह की वो बाउंड्री है इनकी, और ये अपना इसके बारे में अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चला है कि ये अपना जो गेटेड सोसाइटी लेके आएंगे या फिर अपना अपलोड्स बनाएंगे या फिर हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन ये जो पूरी सामने इसकी जो लैंड थी वो रोफ की है। ये देखिए सिग्नेचर ग्लोबल का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके जस्ट साथ में जो आप बैक साइड में बोल देख रहे हैं ना, रोफ लिखा हुआ है, वो रोफ ऑफ आनंदा का है। तो अभी मतलब फ्रंट में ये हो गया तो बैक में आपका सिग्नेचर ग्लोबल पार्क होगा। तो आई डोंट नो कि अब किस तरह की ये प्रॉपर्टी बनाएंगे अपकमिंग, तो अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट जैसे ही हमें कुछ पता लगेगा तो हम ज़रूर उसके लिए अपडेट करेंगे आपको। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो ये बाउंड्री, बाउंड्री के बैक साइड में क्या है। देखो, इन्होंने पूरी लैंड को कवर कर लिया है चारों तरफ से, इसके बाउंड्री बना दी है सीमेंट्स की बाउंड्री, तो उस पर जल्दी ही काम स्टार्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।